ये बहुत मुश्किल नहीं है और बरस उल्ला ही जमीन को बेनकाब कर देगा। अल्लाह सुभान व तआला के लिए सभी कुछ यानी जो भी चीजें हैं वो अल्लाह के सामने खुली है। वकालत अफाउ लिलजीन इस्तकबरु, कहेंगे कयामत के दिन कमजोर लोग मुतकब्बरीन से, आवाम कहेंगे हाकिमों से, इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, बेशक हम तुम्हारे फॉलोअर थे, फहल अंतुमुना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि शैई, क्या आज तुम हमें अल्लाह के अजाब से किसी हद तक बचा सकते हो? कालु, कहेंगे उनके लीडर्स, लव हदान अल्लाहु लहदैनाहु, अगर हम अल्लाह से हिदायत पा चुके होते तो हमें हिदायत के रास्ते पर ले जाते, सवाउन अलैना अजजीना अम सबरना मालना मिन महीस, अब बराबर है चाहे हम शोर मचाएं चाहे सबर करें, हमारे लिए कोई जाय बना चुकी है। वकाल शैतान उलमा कुरियल अम्र, शैतान कहेगा जब फैसला हो चुकेगा मामलात का, इन्नल्लाह वादकुमुल हक, वादकुम वादल हक का, बेशक अल्लाह तुमसे सच्चे वादे किए, मैंने वादे जो किए वो पूरे नहीं किए, सुल्तान, और नहीं था तुम पर मेरा कोई अख्तियार, मैंने तुम्हें बुलाया था तुम्हें, बस जब तुम्हें मेरी बात मान ली, फला तलूमूनी, मुझे मलामत मत करो, तलूम अनफुसकुम, अपने नफ्सों को मलामत करो, माना भी मुस्लिहिकुम, नहीं तुम्हारे लिए मैं फरियाद रसी करने वाला, वमा अंतुम बिमुस्लिही, ना मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, फरियाद सुन सकता हूँ, ना तुम मेरे काम आ सकते हो, इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़बल, दुनिया में जो जो शिर्क तुमने बना रखा था मैं सबका इंकारी हूँ, इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ज़ालिमों के लिए अज़ाब अलीम है, वउदखिलल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाती, और दाखिल किए जाएंगे ईमान वाले नेकों का लोग, जन्नतुन तज़री मिन तहतिहा अनहारु, उन बागों में जिनमें नहरें जारी हैं, खालिदीना फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे, बिइज़्ज़ति रब्बिहिम, अपने रब के इज़्ज़त से, तहियतुहुम फीहा सलाम, उसमें उनका तहिया होगा, दुआ होगी जब मिलेंगे, अस्सलामु अलैकुम। अलम तारा कैफा दरब अल्लाहु मसला, तुमने देखा अल्लाह कैसे मिसालें बयान करता है, कलिमतन तय्यिबतन, कलिमा तय्यबा की, शजरतन तय्यिबा, जैसे हो एक अच्छी नस्ल का दरख्त, अस्लुहा साबितुन, उसकी जड़ मजबूत हो, फरुहा फिस समाई, और उसकी टहनियां आसमानों को छू रही हो, तुउकुलहा कुल्लिहिन बिइज़्ज़ति रब्बिहा, और अपने रब के इज्जत से हर वक्त दोहरा फल लेकर आता है, यानी अल्लाह सुभाना व तआला कह रहे हैं कि तौहीद एक ऐसा कलिमा है जो मजबूत खड़ा। वयद्रिबुल्लाहु अमसाला लिन्नास, अल्लाह इंसानों की मिसालें बयान कर रहा है, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद वो नसीहत को कबूल कर ले, वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, मिसाल है कलिमा एक खबीसा की, कशजरतिन एक घटिया दरख्त की तरह, मिन फौकिल अर्दी, उखाड़ फेंको से दरख्त जमीन के ऊपर से, मालहा मिन करार, उसे कोई मजबूती नहीं थी, यानी जो खुद लोग पौधे आ जाते हैं, अगर से बड़े भी हो जाए आप उन्हें खींचे वो निकल आते, उनकी रूट स्ट्रीट नहीं होती, इस बिदुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबिती, अल्लाह ईमान वालों को इस कौले साबित की बदौलत खड़ा रखेगा मजबूती के साथ, फिर हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व फिर आखिरत ही आखिरत में भी, और युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और भटकाता है अल्लाह खुद ज़ालिमों को, वयफ़अलुल्लाहु मा यशाउ, जो चाहता है करता है, अलम तरा इलल्लज़ीना बदलु नि'मतल्लाहि कुफ्रन, क्या तुमने उन लोगों का हाल देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को अपने कुफ्र के साथ बदल दिया, व अहलु कौमहुम दारल बवार, और उतार लाया अपनी कौम को हदाकत के घर में, यानी कि कुफार जो जिन्होंने अपने सरदारों की पैरवी की जैसे फिरौन वगैरह, तो उन्हें लेकर जहन्नम में चलेंगे, जहन्नमा यस्तौनहा, जहन्नम में चलते रहेंगे, और भी सरकरार यह तरीन ठिकाना है, वजालू लिल्लाही अंदादन, उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बना लिए हैं, युदिल्लु अन सबीलिही, ताकि उसके रास्ते से लोगों को गुमराह कर दे, कुल तमत्तऊ, कहिए उठा लो फायदा, इन्ना मसीरकुम इलन नार, बेशक तुम्हें लौटना है आपके अजाब में, कुल इबादी अल्लज़ीना आमनु, कहिए मेरे बंदों से जो ईमान वाले हैं, युकीमुस सलात, नमाज कायम करते हैं, व युन्फिकू मिम्म
रज़क़नाहुम और खर्च करते हैं उस माल में से जो हमने उन्हें दिया है सिरन एलानिया सिरन छुपा कर वालानियत एलानिया में कब इससे पहले अय्या के यौम लबाई कुबरी ही वला खिलाल वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई तिजारत है और ना दोस्ती काम आने वाली है। अल्लाह वो रब है जिसने खलक समावाति वल अर्द आसमान और जमीन को पैदा किया आसमान से पानी उतारा और उस पानी के जरिए फल निकाले जो तुम्हारा खाना है और पाबंद कर दिया उसने कश्तियों को इंतजरिया जो बहती है समंदर उसके हुकुम से उसने पाबंद कर दिया तुम्हारे लिए नहरों को और अता किया तुमको अल्लाह ने हर वो चीज जो तुम अल्लाह से मांगते हो वही नीमत अल्लाह ही ला तुसुहा अगर तुम अल्लाह की नियमतें गिनने बैठो गिन नहीं पाओगे इंसान बड़ा जालिम और बड़ा नाशुक्रा जब कहा इब्राहिम ने मेरे रब बना हाजर वाला इस शहर को अमन वाला जनुबनी मुझे बचा ले व बनैया मेरे बेटों को अन्नाबुदल अस्ताम के हम बुतों की पूजा करें मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की पूजा से महफूज कर ले रबी इन्ना अल्लाह बुतों ने बहुत इंसानों को गुमराह किया मन तभी आनी फैना हूँ मिली अब जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरा साथी है मन अस्वानी फैना का गफूर रहीम जो भी नाफरमानी करेगा उसका मामला अल्लाह की तरफ है अल्लाह बख्श देता है मेहरबान है रब्बना इन्नी अस्कंतु फी मिन ज़ुर्रियती अल्लाह जी मैं आवाज कर रहा हूँ अपने बच्चों को विवाद इस वादी में मक्का की जहाँ पर कोई खेती नहीं होती इंदा मैं इधर मुहर्रम आपके घर के पास मुहर्रम है और रब्बना इक़िमु सलाता ए अल्लाह हमें तौफीक दे हम नमाज कायम करें फज अल अफ़दतम मिनन नासी और लोगों के दिल इस तरफ मोड़ दे तहवीक अलैहिम मायल हो इनकी तरफ वर्ज़ुकहुम मिनस समरात ने फलों से रिस्क दे लअल्लहुम यशकुरून शायद ये शुक्र अदा करें रब्बना ए हमारे रब इन्नाका तो जानता है जो हम खाते हैं जो हम छुपाते हैं अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है फिर अर्दी वाला फिर समान ना आसमान में ना जमीन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हमद है जिसने वाह मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक में से बेटे अता किए रब्बी औलादों को अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले रब्बना अग़फिर ली ए मेरे अल्लाह मुझे बख्श दे उनकी वालिदैया मेरे माँ बाप को बख्श दे वलिल मुमिनीना मोमिनों को यौमा यकूम अल हिसाब उस दिन जब हिसाब खड़ा हो बेशक ढील दे रहा है तुम्हें उस दिन के लिए जब चेहरे फिर जाएंगे कयामत का दिन है जी तो मुख्तलिफ गुरुओं के ना किसी का मुंह पीछे फिरा होगा कोई सूरत शक्ल उठाया जाएगा और कोई जो है वो चूटियों की शक्ल में उठाया जाएगा तो कोई बंदरों की शक्ल में तो कोई चूहों की शक्ल में ये मुख्तलिफ अजाब जो कौमों पर आए हैं ना उसके मुताबिक है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दीन दे रहा हूँ कयामत के दिन तक मुख्तीना तेजी से दौड़ते आओगे मुख्तनी झुके हुए रऊस सर लेकर ला यर्तद्दु अलैहिम तारफून और नहीं लौटेगी उनकी नजर उस तरफ से यानी अल्लाह को देखे जाएंगे सब जब कयामत का दिन होगा ना तो अल्लाह के दफ पर सबकी तवज्जो होगी इधर उधर नहीं हो पाएगी।
لا يرتدوا عليهم ألسنتهم وأفئدتهم هواء उनके दिल हवा हो जाएंगे, घबराहट के मारे घबरा जाएंगे। पांच दिन नासा और खबरदार कीजिए लोगों को, यौम याति हिमुल अज़ाब, उन पर अज़ाब आएगा। यकूलु लज़ीना ज़लमु, तो कहेंगे काफिर जो ज़ालिम है, रब्बना अख़िरना, ऐ हमारे रब हमें ढील दे दे, इला अजलिन करीब, करीबी मुद्दत के लिए, जिब दावत का, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, वनक तभी इन रसूला और रसूलों की पैरवी करेंगे। अवलम तकूनू अक्सम तुम मिन कबलू मालकुम मिन ज़वाल, क्या हम इससे पहले, क्या तुम वही लोग नहीं हो जो इससे पहले कस्में खाते थे कि तुम्हारी नेमतों को जवाल नहीं आएगा। बस अकन तुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, ये बात कहते हुए तुम भूल जाते थे तुम खुद दूसरे लोगों की बस्तियों में आबाद हो जिन्होंने अपने पर ज़ुल्म किया और तबाह हो गई, फिर तुमने उन्हें आबाद कर लिया। वतबैना लकुम, और वाज़ेह हो गया तुम पर, कैफ़ा फ़अलना बिहिम, हमने उनका क्या हाल किया। वदरबना लकुमुल अम्साल, और बयान कर दी हमने तुम पर मिसालें। वक़द मकरू मकरहुम, उन्होंने चाल चली अपनी, व इन अल्लाह मकरूहुम, और अल्लाह के पास अपनी चाल है, व इनका मकरूहुम, और उसका तरीका है, उसकी चाल है, लितजूल मिन्हुल जिबाल, के पहाड़ बिटल जाए। काफिरों की चालें ऐसी हैं कि पहाड़ बिटल जाते हैं, मगर हमने मदद किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फला तहसबन्नल्लाह, ना तुम समझो अल्लाह को मुखलिफा वादी रसूला, कि अपने रसूलों के वादे वो झूठे पड़ने देगा, नहीं ऐसा नहीं होने लगा। इन अल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिकाम, अल्लाह ग़ालिब है और जल्द इंतकाम लेने वाला है। यौमा तुबद्दलुल अर्दु ग़ैरल अर्दी, जिस दिन जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा। बस समावातु, और जो आसमान है, वह बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और आसमानों को भी, यानी कि क़यामत के दिन नई जमीन बनेगी ना, नया आसमान बनेगा, और अल्लाह कहते हैं सारे लोग सामने खड़े होंगे अल्लाह के जो वाहिद है काहिर है। वतरल मुजरिमीन यौमैज़िन मुक़र्ररीन फिल असफ़ात, तो मुजरिमों को देखोगे कि जकड़े खड़े होंगे बेड़ियों में। सराबीलुहुम मिन क़तरान, और कपड़े पहने होंगे उन्होंने तार खोल के। वतख्शा वुजूहहुम अन्नार, और आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। लियजज़ी अल्लाहु, ताकि बदला दे अल्लाह उनको। कुल्लु नफ्सिन, हर बंदे को, मां का सबब उसकी कमाई का। कयामत इसलिए आएगी कि हर बंदे को उसके अमाल का बदला मिल जाए। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह तेज हिसाब लेने वाला है। हाज़ा बलागुल लिन्नासी, ये लोगों के लिए एक पैगाम है। वलियुनज़रु बिही, ताकि आप इसके जरिए लोगों को आगाह कर दे। वलियालमु, और अब जान ले। अन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, वही इलाह वाहिद है। वलियज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि लोग नसीहत कबूल कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الهجر، الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی اور قرآن مبین کی، ربما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ان قریب وقت آئے گا جب کافر حسرت کریں گے، کاش مسلمان ہوتے۔ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا، چھوڑو کھاتے رہیں، وَيَتَمَتَّعُوا نفع اٹھائیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غافل بنائے رکھے نے ان کی امیدیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ نتیجہ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، نہیں ہم نے کسی بستی کو ہلاک کیا، إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، مگر ان کا وقت پہلے سے طے تھا۔ ماں تسبق من امت اجلها، کوئی گروہ اپنے وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وما یستاخرون، نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی، کہتے ہیں اے وہ بندے، نزل علیہ الذکر، جس پر قرآن اتر رہا ہے، ذکر آ رہا ہے، انک لمجنون، تو تو دیوانہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا کہ تمہیں جن لگ گئے۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ،
क्यों नहीं लाता तो हमारे पास फरिश्ते इनको तमिन स्वादिकीन अगर तू रसूल है और सच्चा है मान नज़िल मलाइका ता इल्ला बिल हकी। अल्लाह कहते हैं हम फरिश्ते उतारते हैं फैसला कर देने के लिए अजाब भेजने के लिए वमा कानू इज़ा मुनज़रीन और जब हम फरिश्ते भेजते हैं हम मोहलत नहीं देते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र हम उतार रहे हैं जिक्र को वइन्ना लहू लहाफिज़ून हम हैं इसके मुहाफिज। वलकद अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शिया अल अव्वलीन बेशक हमने आपसे पहले भी बहुत सारे गरोहों में रसूल भेजे और मा यातीम में रसूल आता जब उनके पास उनका रसूल इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन ये उसका मजाक उड़ाते। कज़ालिका नस्तुकुहु फी क़ुलूबि मुजरिमीन हमने अपने पैगाम को इसी तरह मुजरिमों के दिलों में पैवस्त कर दिया। ला युमिनूना बिही वो किताब पर ईमान नहीं ला सकते। वक़द ख़लत सुन्नतुल अव्वलीन पहलों का तरीका भी यही रहा है। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबा मिन अस्समाई ये वो है जिसके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। फ़ज़ल्लु फ़ीही या रुजूल अगर हम इनके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए ऊपर चढ़ जाए लकालू कहेंगे इन्ना मस्सुकिदत सुअरुना हमारी आंखों पर जादू था बल्लाहु को मसूरून हमें सेहर जदा कर दिया गया था। यानी अल्लाह कहते हैं मौजजा मांगते हो ना अगर मैं आसमान के दरवाजे खोल दूं और कहूं आओ ऊपर आकर सारा कुछ देखकर चले जाओ तो जमीन पर जाकर कहेंगे हम पर जादू किया गया था। वलकद जअलना फी समाई बुरूजन हमने आसमान में बुर्ज बनाए वज़य्यना लिन्नाज़िरीन और उसे खूबसूरत बना दिया देखने वालों के लिए। वहफिज़ना मिन कुल्ली शैतानिर रजीम और हमने इसकी हिफाजत की हर मर्दूद शैतान से इल्ला मन इस्तरफ़ अस्सम अफअतबअहु शिहाबु मुबीन जो भी जिन कोशिश करता है फरिश्तों की बात सुनने की हम उसके पीछे एक रोशन शोला लगा देते हैं। वल अर्द मददना जमीन को हमने फैला दिया वालकई नफिया रवासिया पहाड़ों के लंगर रख दिए उसमें वह अम्बत नफिया बिल्कुल विषय मौजून और हर चीज को हमने मुनासिब मिकदार में उगाया। वजअलना लकुम फीहा मआयशा और हमने बनाए तुम्हारे लिए असबाब मईशत वमन लस्तुम लहु बिराज़िकीन और उनके लिए भी बनाए जिनके राजिक तुम नहीं हो कीड़े मकोड़े वगैरह। कोई चीज ऐसी नहीं हमारे पास इसके खजाने ना हो वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम मगर हम उसे उतारते हैं जरूरत के मुताबिक। व अरसलना रियाह और हम हवाओं को भेजते हैं लवाकिहा भूजल बनाकर फअंज़लना मिनस समाई मान तो फिर हम उतारते हैं आसमान से पानी फअस्कैना कुमुहा ताकि हम उस पानी से तुम्हें पिला सके। वमान तुम लहु बिखाज़िनीन तुम इस लायक नहीं थे कि पानी को संभाल के रख लेते। वइन्ना लनहनु नुही व नुमीतु हम ही है जो जिंदगी और मौत देते हैं। वनहनुल वारिसून और सब लौट कर भी हमारे पास आएंगे हम वारिस हैं। वलकद अलिमना मुस्तक़दिमीन मिनकुम हम जानते हैं तुम में से पहलों को सबकत करने वालों को। वलकद अलिमनल मुस्ताखरीन और पीछे रहने वालों को बाद में आने वालों को। वइन्ना रब्बका हुआ यख्शुरुहुम और तेरे रब ही की तरफ वो सब इकट्ठे होंगे। इन्नहु हकीमुन अलीम वो इल्मो हिकमत वाला है। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिन बेशक हमने इंसान को पैदा किया खनक की मिट्टी से। मिन हमाइम मसनून और उस मिट्टी के गारे में से भू आती थी यानी के खमीर ज़्यादा था। वल जानना खलकना हुम मिन कब्ल मिन नारिस समूम और जिन्नों को उस हमने पैदा किया इंसानों से पहले आग के शोले से। इस काल रब्बुका लिल मलाइका थी जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से इन्नी खालिकुम बशरन मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ मिन सलसालिन मिन हमई मस्तून खनकती मिट्टी से जो खुश्क होकर बचने लगेगी और बनाया जाएगा मुजस्मा गुंडी हुई मिट्टी से गारे से। गारा तर्जमा कर देते हैं गारा तो नहीं होता जिससे मुजस्मा बनता है गारे को तो आप लगाएंगे वो तो गिरना शुरू हो जाएगा। मिट्टी होती है बकायदा और गुंदी हुई होती है और अगर आप उसको खींचे तो स्ट्रेचेबल होती है जैसे आपकी पिज्जा डो होती है कि आप खींचते तो स्ट्रेच होती है उसी तरह उसमें खमीर उठता है नेचुरली उठता है उसका पूरा प्रोसेस होता है। मिट्टी होती है खास किस्म की चिकनी मिट्टी कहलाती है मुजस्मा साजी की वो ली जाती है उसे बोरी में रैप करके रखते हैं रोज पानी डालते हैं रोज पानी डालते हैं तो 8-10 दिन में वो अंदर तक गीली हो जाती है। जब वो गीली भी हो जाती है तो उसे बोरी में रखे रखते हैं पेट के तो फिर अगले 2-4 दिनों में उसमें खमीर आ जाता है फंगस लग जाती है उसमें तो नेचुरल खमीर आ जाता है। जैसे आपका आटा पड़ा जाए तो खमीरा नहीं हो जाता तो खमीरे आटे में से स्मेल आती है ना खराब ना हो अभी सिर्फ खमीर हुआ हो तो वो खमीर की स्मेल आती है
तो ऐसी स्मेल मिट्टी से आने लगती है, फिर उसे गूंदते हैं, जैसे आप पिज्जा डो को गूंदते हैं ना, ऐसे ऐसे मलते हैं उसे, बहुत मलते हैं, बहुत मलते हैं, उससे फिर वो पिज्जा डो की तरह लचकदार हो जाए, जितना खींचो खींचो, उससे फिर मुजस्मा हो। फैजा सफाई तो हूँ, जब मैं उसे दुरुस्त बना दू, माना फख्त फी ही में रूह ही, और अपनी जानिब से उसमें रूह फूक डालू, फका उलहू साजदीन, तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना, फसजद अल मलाइका तो कुल्लुहुम अजमाउन, सजदा किया सब फरिश्तों ने इकट्ठे, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार कर दिया, आई यकूना मा असाजदीन, सजदा करने वालों में शामिल होने से, आला अल्लाह ने फरमाया, या इबलीस मा लगा, तुझे क्या हुआ, अल्लाह तकूना मसाजरीन, तूने सजदा क्यों नहीं किया, काला अलम काला लम अकुल्ली अस्जुदा लिबशरिन, कहने लगा शैतान मैं इंसान को सजदा नहीं करूंगा, खलकताहू मिन सलसालिन व हमाइम मस्नून, तूने उसे पैदा किया एक ऐसे मुजस्मे से जो खमीर उठी मिट्टी से बनाया गया था, जिससे स्मेल आती थी और वो बजने लगा खुश्क होकर, काला फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, अल्लाह ने कहा दफा हो जा यहाँ से, तू मर्दूद है, वइन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, तुझ पर लानत है कयामत के दिन तक, काला कहने लगा रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहने लगा अल्लाह जी बस मुझे मोहलत दे दीजिए उठाए जाने के दिन तक, काला फइन्नका मिनल मुंज़रीन, अल्लाह ने कहा जा तू मोहलत दिए गए हो मुझसे है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम तक, कयामत तक, काला रब्बी बिमा अग्वैतनी, कहने लगा शैतान अल्लाह जी मैं गुमराह करूंगा, लाउज़ीनन लहुम फिल अर्द, इसे खूबसूरत बना दूंगा इनके लिए जमीन को, वला उग्रियन्नहुम अजमाइन, और इन सबको गुमराह करने की पूरी कोशिश करूंगा, इल्ला इबादिका मिनहुम मुखलसीन, तेरे खालिस बंदों के सिवा कोई बच नहीं पाएगा, काला आजा सिरा तो नलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने कहा मेरा रास्ता सीधा है, इन नई बात लगा अरे हिमसुल्तान, जो मेरे बंदे है तुझे उन पर कोई अख्तियार हासिल नहीं है, इल्ला सिवाय उसके मानी तबा का मिनल गाबिन, जो खुद दिल पैदी करे और वो है बहका हुआ, कहना जहन्नमा लहुम इदुम अजमाइन, जहन्नम तुम सबके लिए मुलाकात का वादा है, यानी जो भी तुम्हारी पैरवी करेगा सब जहन्नम में मुझसे मिलना, लासा मतु अबवाब, उसके सात दरवाजे है, लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुन मक्सूम, और हर दरवाजे का एक हिस्सा तयशुदा है, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी होंगे बागों में जन्नतों में चश्मों में, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जन्नतों में सलामती के साथ, अमन के साथ रहो, जो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत होगी, इख्वानन भाइयों के लिए, अला सुरुरिल मुतकाबिलीन, वो हम निकाल देंगे और वो एक दूसरे के सामने भाई भाई बनकर बैठे होंगे, तो कोई नाराजगी होती ना दो मोमिनों में, तो अल्लाह कहते हैं मुझसे दिल साफ कर दे, लाइमुसुहुम फीहा नसबुन, वहां उन्हें कोई थकावट ना होगी, विमुखरजी ना वो वहां से निकाले जाएंगे, नबी बता दीजिए इबादी मेरे बंदों को, अन्य गफूर रहीम के बह पक्ष देता हूँ मेहरबान हूँ, वहां नजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और मेरे अजाब से भी होशियार रहे, मैं अजाब अलीम देता हूँ, व नबी हूँ अन दैफी इब्राहिम, इन्हें इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाइए, इस दखल अलैहि फकालु सलामा, जब वो उसके पास दाखिल हुए कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, काला इन्ना मिनकुम वजलून, इब्राहिम कहने लगे आपसे मेरा दिल घबरा रहा है, और कालू लात का उजल कहने लगे आप मत घबराइए इब्राहिम, इन्ना नुबशिर का भी गुलामी नली, हम तो आपके पास एक ऐसे बेटे की खुशखबरी लाए हैं जो इल्म वाला होगा, काला बशरतमूनी अला अन मस्तनियल की बारूफ अभिमा तुबशिरून, कहने लगे क्या खुशखबरी सुना रहे हो मुझे, बेटा होगा मेरा, मैं तो बूढ़ा हो गया और तुम मुझे खुशखबरी देते हो, कालू फरिश्तों ने कहा बशरना का भी हक, हमारी लाई हुई खबर तो खुशी की है सच है, वला तकुम मिनल कानितीन, ए इब्राहिम आप मायूसों में शामिल ना हो, काला इब्राहिम ने कहा वमन यक़नतु मिन रहमती रब्बी इल्ला दुआलू, नहीं मैं तेरे रब की रहमत से मायूस नहीं हूँ, अल्लाह की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग मायूस होते हैं, काला कहा इब्राहिम ने वमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, ए फरिश्तों फिर तुम्हारा असल टारगेट क्या है, कालू वो कहने लगे इन्ना उर्सिलना इला कौमिल मुजरिमीन, हम भेजे गए मुजरिमों की कौम की तरफ, इल्ला आला लूत सिवाय लूत के खानदान के, इन्ना
लमुनजूहुम अजमाइन, बेशक हम उन सबको इकट्ठा निजात दे देंगे। इल्ला मरातुहु, सिवाय उसकी बीवी के, कद्दरना उसका नसीब हो चुका है, इन्ना लमिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाएगी। वलम्मा जाअ आल लूतिन मुरसलून, जब आए लूत के पास ये फरिश्ते, काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, लूत कहने लगे तुम अजनबी लोग हो। कालू, उन्होंने कहा बल जीना का बीमा कानू फी ही यब तरून, वो कहने लगे हम तो वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें इन्हें शक था। वह आतना का बिल हक, हम तो फैसला लाए हैं। वह इन्ना लस्वादिकून, हम सच्चे हैं। फासरी भी आदमी का बिकत मिन लैली, आप रवाना हो जाइए रात के एक पहर में अपने अहले खाना के साथ। वह तभी अदबारा हूँ, तुम पीछे पलट कर ना देखे। वह तभी अदबारा हूँ, तुम उनके पीछे करना है लूत अलैहि सलाम, आप पीछे रहना। ला या तभी तुम इनको कहा दो, तुम मेरे कोई पीछे पलट कर ना देखे। वन दो है सुफु मारून, और चले जाओ वहीं जहाँ तक तुम्हें कहा गया है। वकद वैना इलैहि जालिकल अमरा, हमने जान लिया, फैसला कर दिया इस सारे मामले का। अन्ना दाबरा दाबिरा, और जड़ से काट डाला हा उलाई, इन लोगों को मक्तू मुस्बिहीन, उसी तरह सुबह होते होते इनकी जड़ काट दी गई। वजा अहलुल मदीना थी, शहर वाले आए, यस्तबशिरून, खुशियां मनाते। काला कहने लगे लूत अलैहि सलाम, इन्ना हा उलाई दैफी, ये मेरे मेहमान है, फला तफ्तहून, तुम मुझे अपने मजाक का निशाना मत बनाओ, मुझे जलील ना करो। वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, वला तुखज़ूनी, मुझे रुस्वा ना करो। कालू कहने लगे अवलम नन्हा का, हमने कितनी बार मना किया तुझे लूत, अनिल आलमीन के सारे जमाने का ठेकेदार मत बन। काला लूत ने कहा हा उलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, इनको तुम फाइलिंग ले जाओ अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो। अब इस जुमले में बाज लोगों ने यह मुराद ली कि लूत अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बेटियां ले जाओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी पीछे भी अर्ज किया, उनकी मुराद था अपनी बीवियों के पास जाओ। लामरु का, तेरी जिंदगी का समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहुम लफी सक्रातिहिम यामहून, वो अपने नशे में अंधे थे, दूत थे। फाहजतहुम सैहतुल मुशरिकीन, और पकड़ लिया सुबह होते ही एक चिंगार ने। वजा अल्लाह आलिया साफिला, हमने अपनी बस्ती की बुनियादें उखड़ फेंकी। और हमने उन पर पक्के हुए पत्थर बरसाए। और बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल वाले हैं। वहीन, और ये बस्ती उनके रास्ते पर मौजूद है। इन्ना फिजालिका ला आयात लिल्मुमिनीन, बेशक इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। वाइनकान असहाबुल ऐकत इला ज़ालिमीन, और बेशक असहाबे ऐका जो थे वो जालिम थे। फन तकमना मिन्हुम, हमने उसे बदला लिया। वाइन्नहा लबी उमामे मुबीन, और ये बस्ती भी तुम्हारे रास्ते में है। असहाबुल ऐका कौमे शुएब। वलकद कज़्ज़बा असहाबुल हिजरिल मुरसलीन, हिजर वालों ने भी रसूलों का इनकार कर दिया, हिजर वाले कौमे सवाले। वआतैना हुमायातिना, हम दी हमने उनको अपनी निशानियां। फकान वन हमूरी दीन, तो वो उनसे मुंह मोड़ गए। फकान यानी दूना मिन जिवाली, वो पहाड़ों में तराशते थे बयूत घर, आमिनीना अमन के साथ। फहजत सैहत मुस्बहीन, सुबह सवेरे उन्हें धमाके ने एक चिंगार ने आन पकड़ा। वमा अगना अन हुमा का यक सिबून, उनकी बनाई चीजें उनके काम नहीं आई। वमा खलक न समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, हमने आसमान और जमीन और उसके माबैन सब कुछ एक सबब से पैदा किया है। वाइन नसात अला आतियतुन, कयामत आके रहेगी। फस्फहिस सफ़ल जमील, बस तक गुजर करो उमदगी के साथ। इन्ना रब्बुका हुवल खल्लाकुल अलीम, बेशक तेरा रब वही खालिक है, वही इल्म वाला है। वलकद बिला शक्कु शुबा आतैना का सब अमिनल मसानी, हमने आपको अता की। कुरान में सात आयतें जो बार बार पढ़ी जाती हैं। वल कुरान अजीम, और कुरान मजीद की वो असास है। सूरह फातिहा। ला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़्वाजम मिन्हुम, तू अपनी आंख उठा कर ना देखना उस सामान की तरफ जो हमने मुख्तलिफ काफिर ग्रोहों को दे रखा है। वला तहज़न अलैहिम, उनके रवैये से दुखी भी नहीं होना। वक़्फ़ जनाहक लिल्मुमिनीन, आप मोमिनों के लिए बाजू फैला कर रखिए। वकुल इन्नी अना अनन नज़ीरुल मुबीन, कहो मैं तुम सबकी तरफ एक नज़ीर हूँ, एक आगाह करने वाला हूँ, वो भी वजाहत से। कमा अंजलना अलल मुक्तसिमीन, जैसा कि नाजिल किया हमने
कुरान को उन लोगों पर जिन्होंने से बांट लिया, अल्लज़ीना जअलुल कुरआना इदीन, वो लोग जिन्होंने कुरान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहूदी ईसाई। अल्लाह कहते हैं कि हमने ने किताब दी, उन्होंने किताब को टुकड़े टुकड़े कर दिया, गरो बना लिए। वमा रब्बिका लनसअलन्ना हुम अजमाइन, कसम है तेरे रब की हम जरूर उनसे सवाल करेंगे इकट्ठा करके, अम्मा कानु यअमलून, वो अमल जो करते थे हम पूछेंगे, फस्ता बिमा तुमर, घंटे की चोट पर कहो जो तुम्हें कहा गया, वह आने मुश्रिकीन, मुश्रिकों की परवाह न करें, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तज़ईन, हम आपकी जानिब से इन मजाक उड़ाने वालों को काफी है, अल्लज़ीना यजअलूना मा अल्लाहि इलाहन आखरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ दूसरे खुदा घड़ लिए हैं, फसौफ़ यअलमून, अनकरीब वो नतीजा जान जाएंगे, वलकद नअलमू, और बेशक हमने जान लिया, अन्नका यदि सदरुका, क्या कदम घुटता है, बीमा या कोदूर उनकी बातों से, यानी वो आपके बातें करते हैं कोई तकलीफ होती है, और सब भी हम दी रबी अपने रब के लिए इस्तिगफार कीजिए हम के साथ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों के साथ शामिल हो जाइए, वाबुद रब्बुका, अपने रब की बंदगी कीजिए, हत्ता यातियकल यकीन, जब तक के आप पर आ न जाए यकीन वक्त यानी कि मौत। आज इतना ही पढ़ेंगे जी, मैंने एक मेडिसिन ली सहरी पर, मुझे ये नहीं था कि उसमें नींद है, तो मुझे बहुत ज्यादा शदीद जो है ना हो रहा है वो नींद का असर, क्योंकि मैंने कभी ऐसी मेडिसिन ली नहीं, बहरहाल थी तो वो पेन किलर, लेकिन उसमें सिटेशन शदीद है, तो बार बार मेरा रक्त भी जो है ना तर्जुमे से टूट रहा है, तो इनशाला यहाँ से आगे कल पढ़ें इनशा। سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته